वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं मेरी नानी जी के घर लखीमपुर खीरी, तो मैं आप सबको लेके चलूंगी। अभी मैं हम सबका आउटफिट आपको दिखाऊंगी। आज मैंने ये मेरी शादी वाला सूट पहना है, एक बार आराम से दिखाऊंगी। बट ये दोनों मेरे बच्चे हैं, अंशुल हैं, हम सब रेडी हो चुके हैं, बस कैब का वेट करें, कैब आने वाली है, फिर चलेंगे नानी के घर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माई हस्की वॉइस दोस्तों, अभी मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे को बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट स्टिल मुझे लगा मुझे आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करनी है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। दोनों बच्चे मेरे रेडी हैं। मैंने केशु को आज रॉम्पर पहनाया है और गोविंद को ये कूल सी टी शर्ट पहनाई थी जो उसे सुबह सुबह गीली कर ली, बट दैट्स फाइन। हम लोगों की कैब आ चुकी है और अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अराउंड 2 आवर्स की जर्नी है फ्रॉम लखनऊ टू लखीमपुर खीरी। हम लोग अराउंड 7:30 निकल गए थे जिससे कि टाइमली नानी जी के घर पहुँच जाएँ। हमने एक क्विक पिट स्टॉप लिया था सिधौली में, बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ से हमने फ्रूट्स वगैरह परचेज किए थे। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल कर रही हूँ इंडिया में, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है इंडिया आने के बाद। तो ना मैं बच्चों का बहुत सारा खाना अपने साथ कैरी करती हूँ, जैसे ये पीच पफ्स हैं, गोल्ड फिश, क्रंचीज़, मैं सब बहुत कुछ US से परचेज़ करके लेकर आई थी। ये सब मैं अपने डायपर बैग में स्टफ़ करके लेके जाती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। जब भी बच्चे भूखे होते हैं या क्रैंकी हो रहे होते हैं उनको ये दे दो तो बच्चे आराम से कंफर्टेबली ट्रैवल करते हैं। और साथ में केशु का मिल्क भी मैं कैरी करती हूँ। जब मैं फॉर्मूला मिल्क देती थी तो फॉर्मूला मिल्क कैरी करती थी, अब तो मैं नॉर्मल मिल्क पिलाती हूँ तो बॉटल में नॉर्मल मिल्क लेके जाती हूँ। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं नानी जी के घर। अराउंड 2 आवर्स में ही हम लोग पहुँच गए थे और ना रास्ता देखते देखते एकदम बचपन की याद आ रही थी। हम लोग कैसे समर वेकेशन में नानी जी के घर आते थे, पूरा पूरा महीना रुकते थे, पूरी पूरी समर वेकेशन यहाँ पर बिताते थे। और ये है मेरी नानी जी का घर। एक्चुअली राइस मिल है मेरे नाना जी की, उसी में घर बने हुए हैं। तो मामा जी बाहर ही खड़े थे बस हम लोगों का वेलकम करने के लिए। बस हमारी कार जा रही है अंदर और अभी आप देखेंगे, सबसे मिलेंगे मेरी नानी जी के घर पे और हमारा कितना ग्रैंड वेलकम हुआ था वो भी आप देखेंगे। तो ये हैं मेरी मामी जी, भाभी जी लोग, और यहाँ पे सारे हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेपरेशन की थी वेलकम की। मामी जी लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। अराउंड 9:40 पे पहुँच गए थे। अभी बस बैठे हैं थोड़ी देर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। ये हैं मेरी नानी जी और भाभी ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ना हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो जितना भी खाना था ना सब घर पे बनाया था और काफ़ी कुछ बनाया था। मतलब ब्रेकफास्ट के नाम पे भी इतनी सारी चीज़ें बनाई थी ना भाभी ने, पूरी डाइनिंग टेबल भरी हुई थी। तो ये सब कुछ होममेड था, बस जलेबी बाहर से आई थी क्योंकि यहाँ की जलेबी काफ़ी फेमस है। और काफ़ी अच्छा अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हमने किया, काफ़ी कुछ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस ऐसे ही हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, बैठ के गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मामी से, भाई लोगों से मिल के। वैसे तो आप सब मिल चुके हो शादी ब्लॉग्स में मेरे पूरी नानी जी की फैमिली से, बट स्टिल यहाँ पर घर आके मिलना तो एक अलग बात होती है। और ये हैं बच्चे हमारे क्यूट क्यूट से। अगर आपको इस टाइप के दोस्तों लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बैठे हैं नानी जी के पास। नानी जी अपना पूरा पिटारा लेके बैठी हैं क्योंकि नानी जी के घर आओ ना तो इतनी सारी चीज़ें नानी जी देती हैं, इतने सारे एनवलप्स, इतने सारा आशीर्वाद मिलता है। तो वही सब नानी जी लेके बैठी थी कि तुम ये ले जाओ वो ले जाओ, काफ़ी कुछ दिया मेरी नानी जी ने मुझे। और ये हैं मेरे नानी जी नाना जी, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना मेरी 3 मामी जी लोग रहती हैं, एक मामी जी दूसरे घर में रहती हैं जो मेरी नानी जी का ओरिजिनल घर था जहाँ पे हम एक्चुअली में बचपन में आते थे। तो जब भी मैं अपनी शादी के बाद आई ना तो इसी घर में आती थी। इस बार मेरा मन था कि हम लोग पुराने घर भी जाएँ, वहाँ पर भी देखें और अंशुल को दिखाऊँ मैं कि हम एक्चुअली में कहाँ आते थे नानी जी के घर। तो बस अभी हम लोग आए हैं अपनी मामी जी के ओरिजिनल वाले घर में, आपको भी दिखाती हूँ। ये है हमारी नानी का पुराना घर, पहले हम सब यहाँ पे आया करते थे, मेरी सारी मौसी, मौसी के बच्चे, मामी लोग, मामी जी लोगों के बच्चे, हम सारे इतने सारे बच्चे हो जाते थे समर वेकेशन में, खूब मज़ा करते थे इस घर में आके। और जब हम एक्चुअली में मैं इस घर में आई ना तो पूरी वो बचपन की यादें याद आ रही थी। अब तो फ़िलहाल बहुत घर चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ रेनोवेट करवा लिया है मामी जी ने, बट स्टिल काफ़ी कुछ पहले वाला है, जैसे नानी जी का कमरा है और जिस कमरे में हम लोग रुका करते थे, रात में सोया करते थे नीचे फ्लोर पे गद्दे डाल के, वो सारी मेमोरीज़ फ्लैशबैक में आ रही थी।
किचन काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है, बट स्टिल मेमोरीज वो सारी याद आ रही थी। और मामी जी ने घर पे ही आइसक्रीम बनाई थी, काफ़ी अच्छा लगा। अभी मेरा गला भी काफ़ी कुछ दर्द हो रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है, बट स्टिल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब तो घर काफ़ी कुछ रेनोवेट हो गया है क्योंकि दो भाई हैं, अब उनकी भी शादी वगैरह होनी है, तो उन लोगों के लिए घर चेंज रेनोवेट हो गया है। तो मामी जी वही सब दिखा रही थी कि क्या क्या नई चीज़ें बनी हैं घर में। और इस वाले घर के सामने ही ना मेरी मम्मी की चाची लोग भी हैं, जो मतलब आप कहिए मेरी कज़न नानी लोग। तो टाइम तो कम था, बट मुझे था कि मैं सबसे इस बार मिल के ज़रूर जाऊँ, क्योंकि हर बार होता है हबड़ तबड़ में आते हैं, हबड़ तबड़ में ही निकल जाते हैं, मिलना नहीं हो पाता। बट इस बार मुझे था कि मैं चाहे खड़े खड़े ही 10 मिनट के लिए मिलने जाऊँ, बट मैं सबसे मिल के आऊँगी। ये सब मामी लोगों की जब शादी हुई थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम आते थे समर वेकेशन में, सबके पास रुकते थे, रहते थे, सब लोग इतना अच्छा खाना बना के हम लोगों को खिलाते थे। तो मेरा मन था कि इस बार मैं सबसे मिल के आऊँ, और ये है हमारी बिग फ्रेम फैमिली। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बस अब हम लोग निकलने वाले हैं वापस से नए घर पे नानी जी के। एक्चुअली केशु सो गया था, तो मैं उसको छोड़ के आई थी मामी जी लोगों के पास, और वो उठ गया था, तो मामी जी लोगों का कॉल आने लगा कि केशु रो रहा है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी वापस आ गए, और अब लंच टाइम है। और लंच मेरी दोनों छोटी मामी जी लोगों ने बनाया था, सब कुछ होममेड था। अभी आपको दिखाऊंगी, वो लोग पता नहीं कब से लगी हुई थी खाना बनाने में। बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी होती है जब इंडिया हो ना, तो 2-3 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लंच एंड डिनर्स होते हैं। ससुराल साइड जाओ तो वहाँ पे इतने सारे लोग बुलाते हैं, मायके साइड आओ तो इतने सारे लोग वहाँ पे बुलाते हैं। इतनी खातिरदारी होती है, इतना मज़ा आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो फिलहाल बस मैं अपना ना बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ। जब मैं US वापस चली जाऊँगी, तो ये शायद मैं खुद रिपीट मोड में इतनी बार वीडियोज़ देखूँगी और ये टाइम याद करूँगी। तो ये है लंच। लंच में छोले थे, शाही पनीर थी, खीर थी, आइसक्रीम थी, और मामी जी ने स्टफ़ कुलचे बनाए थे जो कि बहुत ही यम्मी थे। बस अब लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं वापस घर की तरफ। अराउंड 3:30 निकले थे, निकलते निकलते भी हम लोगों को 1 घंटा लग गया था। तो बस अभी तिलक वगैरह हो रहा है और एनवलप्स वगैरह मिल रहे हैं, और बहुत हंसी मजाक चलता है हमारी फैमिली में ना। सब लोग कोई बुरा नहीं मानता, सब लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा मजाक करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गोविंद को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, वो बहुत हैप्पी था। और यहाँ पे एनवलप्स का आदान प्रदान चल रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे अपने फ़िलहाल अपनी नानी जी के घर आके। ये अगेन हमारी बिग फ्रेम फैमिली है नानी जी की साइड की। और निकलते निकलते भी जैसा कि मैंने बोला 1 घंटा लग गया था, मैंने क्विकली नानी जी के घर का थोड़ा बाहर से लुक शूट करने की कोशिश की। बहुत ही सुंदर लॉन एरिया है, गार्डन है, और गार्डन में ना मैंगो के ट्रीज लगे हुए हैं। आपको दिखाती हूँ, देखिए लेके चलती हूँ। यहाँ पे ना छोटी छोटी अमियाँ लगी हुई हैं। मेरे भाई ने बोला कि अमियाँ लगी हुई हैं, तो मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि मैं थोड़ी अमियाँ लेकर जाऊंगी। बट जब मैंने देखा तो बहुत ही छोटी बेबी फेज में थी ये, बट स्टिल ये देख के पेड़ देख के बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली नाउ वी आर लीविंग। थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा टाइम और लेके आए, क्योंकि इंडिया ट्रिप ना चाहे जितनी बड़ी बना लो, लगता है कि टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। इस रिश्तेदार से हम कम मिले, उस रिश्तेदार से हम कम मिले, बट चलो इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सबसे मिल ज़रूर रही हूँ। एंड हम लोग अराउंड 4:30 निकले थे। ये है मेरे नाना जी की राइस मील। हम लोग ना जब समर वेकेशन में आते थे, तो सारे इतने सारे कजन्स होते थे यहाँ पे, हम लोग पिकनिक करने आते थे, घर से खाना बना के लाते थे, यहाँ पे आराम से बैठ के मील पे खाना खाते थे। वो सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में चल रही थी, मैं अंशुल को बता रही थी। एंड हम लोग 4:30 के अराउंड निकले थे, 6:30 वापस हम लोग अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि पापा का क्लिनिक अराउंड 6 o'clock तक रहता है, तो पापा घर आ जाते हैं। तो यही था कि वापस चलते हैं, पापा मम्मी के साथ भी थोड़ा टाइम और स्पेंड करना है। और पापा मम्मी वेट ही कर रहे थे कि बच्चे घर आ जाएँ, तो उनके पसंद का डिनर वगैरह बनाएं। एंड फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। सो दोस्तों, ये था हमारा दिन। आई होप आपको आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करके, मेरी फैमिली से मिलके अच्छा लगा होगा, मेरी नानी जी की फैमिली से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मन था कि हम और रुकें, बट ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन है, यहाँ पे भी हमें वापस आना था। अंशुल को अपनी मीटिंग ज्वाइन करनी थी, वो वर्क फ्रॉम होम करें। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अंशुल कैसे काम मैनेज कर रहे हैं, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वो शाम को लॉग इन करके लेट नाइट तक काम करते हैं, जैसे US के टाइमिंग्स पे। तो उनकी मीटिंग होती है आज फ्राइडे को, आप सबको शायद पता होगा अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली वॉच करते हो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए थे। और काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि अंशुल के कितने भाई बहन हैं। तो अंशुल दो ब्रदर सिस्टर हैं, बड़ी दीदी हैं हमारी और अंशुल हैं। दीदी मेरठ में हैं, तो हम लोग उनसे मिलने जब जाएंगे डेफिनेटली मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। बहुत लोग उनसे मिलना चाहते थे, अब पूछते हैं कि अंशुल के कितने सिबलिंग्स हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग लखनऊ में हैं और
बस अब लखनऊ का स्टे थोड़ा सा बचा है। मैं बहुत दिन से कोई वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही, क्योंकि होता क्या है ना कि यार टाइम इतना ज्यादा मिल भी नहीं पाता है कि मैं एडिटिंग करूं। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है मुझे लगता है कि चलो मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बात कर लो, क्योंकि यार वीडियोस एडिटिंग ये सब तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। जब मैं यूएस वापस चली जाऊंगी मुझे यही सब करना है। यहाँ पे ये जो प्रेशियस टाइम है ये बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत मतलब बहुत इवेंटफुल टाइम होता है, ये बहुत ही कम मिल पाता है। इसीलिए अब ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है मुझे लगता है कि बस इसे मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं और उनके साथ जितना हो सके बात करूं, बैठूं उनके साथ, ये टाइम स्पेंड करूं। तो धीरे धीरे करके कोशिश करती हूं कि वीडियोस एडिट करूं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं आज, मेरा मुझे लग रहा है थोड़ा गला भी बैठ गया है क्योंकि हमने इतने सारे गप्पे मारे, इतना सारा खाना वाना सब खा लिया है। बस अब मैं चेंज वेंज करूंगी, दोनों बच्चे चेंज करके नीचे चले गए हैं अपने दादू दादी के पास, अंशुल भी बस जा रहे हैं, उनकी मीटिंग है। मैं चेंज करती हूं, जाके देखती हूं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम कराऊंगी, डिनर वगैरह प्रिपेयर करेंगे। टाइम हुआ है 7:10 हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस टाइप के फैमिली ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मैं पसंद आती हूँ, मेरा काम पसंद आता है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।